खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के ग्राम जलकोटा में जनप्रतिनिधियों की ओर से शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों की दोनों शालाओं में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सूत्रधार महेश वर्मा, राधेश्याम भाई और अन्य के सहयोग से यह पुण्य कार्य किया गया। साथ ही इस अवसर पर शाला के बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण डॉक्टर तरुण पाटीदार और उनकी सहयोगी टीम के द्वारा किया गया। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। का विषय है कि हमारे बीच में गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चे पधारे हैं। हर्ष का विषय इसलिए भी है कि हम सभी के प्रयास से और जन सहयोग से आज शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जैसे पिछले वर्ष हमने प्राथमिक विद्यालय हराड़ी जलकोटा में स्वेटर वितरण करवाया था सभी बच्चों को, 55 बच्चे थे हमारे पास, वो भी जन सहयोग था और हम लोगों ने भी उसमें बहुत सहयोग करा था। तो ऐसे ही आज माध्यमिक विद्यालय जलकोटा में भी जन सहयोग से, ठंड का प्रकोप है इसलिए सभी बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। गांव से पधारे हुए हमारे थोड़े से आमंत्रण पर पधारे हुए अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम दादा के द्वारा माँ सरस्वती का पूजन किया गया, अब हमारी परंपरा है। हमारे ग्राम के सभी बच्चों से आशा है, करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें, और सभी शिक्षक गणों से निवेदन है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाएं, उच्च शिक्षा दें, और प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स जो है वो निकाल कर सरकारी स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखें बच्चों को, ऐसा कुछ करें, और जिससे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो है शिक्षा पर इतना खर्च कर रही है उसका सही परिणाम हमें मिले और सरकार के प्रयास जो है वो सफल हो। आपके स्वेटर बांटने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये बांटने की प्रेरणा ये कि यार हम लोग जो स्कूलों को ध्यान में रखते हुए कुछ काम करें, उस हर चीज़ों के लिए सहयोग करें, जैसे स्वेटर है, कोई फंक्शन है स्कूल में तो हम आए जाए और देखें और स्कूल की गतिविधियों को समझें, जिससे हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिले और अच्छे बच्चे पढ़ाई करेंगे और हमें भी अच्छा लगे और हमारे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने की आशा करेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।